एयरपोर्ट पर ही हूँ। अच्छा, आज यहाँ से जो आए पैसेंजर तो उसी फ्लाइट से कितने पैसेंजर गए हैं? ये इंडिगो की फ़्लाइट है, दिल्ली से आई है और लगभग 180 पैसेंजर इसमें हैं। 20 तारीख को उद्घाटन तो हो ही गया था लेकिन आज फॉर्मली पहली फ्लाइट आई है से दिल्ली से, आज चालू हो गई है फ्लाइट। अभी कौन कौन सी फ्लाइट अभी अवेलेबल है? आज एक ही है इंडिगो की और दो चार्टर्ड फ्लाइट हैं, उसमें स्पेशल पैसेंजर्स रहेंगे। आने वाले समय पर अभी सब जगह से फ़्लाइटें शुरू होने वाली हैं और उम्मीद है कि जल्दी अहमदाबाद और मुंबई से भी फ़्लाइट शुरू होगी। दिल्ली से तो डेली हो जाएगी। अभी फ़्लाइट लगभग कितने समय लगेंगे और फ्लाइट लगेंगे? अभी पैसेंजर फुटफॉल के अकॉर्डिंगली जैसे ही एयरलाइंस अपने देखेंगी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे पैसेंजर्स का फुटफॉल देख कर। ठीक है, पहली फ्लाइट आ रही थी, आप लोगों ने स्वागत किया, क्या कहना? आज अयोध्या एयरपोर्ट पे पहली फ़्लाइट आई है और हमारा 82वां फाउंडेशन डे था जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये भगवान राम जी की कृपा से एक अपॉर्चुनिटी थी कि अयोध्या एयरपोर्ट की कॉमर्शियल फ़्लाइट का इनॉग्रेशन और हमारे बैंक का फाउंडेशन डे एक ही डेट पर है, तो हमने पहली फ़्लाइट के सभी पैसेंजर 80 पैसेंजर्स को आज यहाँ पर वेलकम किया है। उनको टीका लगा के उनको पहला वेलकम हुआ है, उसके बाद उन्हें फूल दिए गए हैं, उसके बाद उनको अयोध्या मंदिर का ही मोमेंटो दिया गया है और साथ में ही हमने केक कटिंग सेरेमनी भी की है अपने फाउंडेशन डे की, जिसको सबके साथ सेलिब्रेट किया है। और ये हमारा फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन और अयोध्या की पहली फ़्लाइट आने का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से निपटा है और हमें बहुत खुशी है कि जो लोगों में वाइब्रेशन था, जो लोगों में राम मंदिर अयोध्या पहुँचने की पॉजिटिव एनर्जी थी, वो देख के हम लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए और हमें बहुत सबने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत प्यार दिया है और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। कितने अतिथियों का भी स्वागत किया है? हमने लगभग 180 पैसेंजर्स जो यहाँ पर आए हैं उन सभी का ही स्वागत किया है। मेरा नाम मिलन दुबे है, यहाँ पे मैं अंचल प्रमुख के रूप में अंचल कार्यालय अयोध्या यूको बैंक में स्थापित हूँ। ही अच्छा महसूस हो रहा है आज यहाँ अयोध्या आके, इतने सालों से जो काम नहीं हो पाया था वो इस गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया और बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गर्व की बात है। मैं सिर्फ यही निवेदन करूँगा गवर्नमेंट से कि वो 22 तारीख का जो दिन है उस दिन छुट्टी घोषित की जाए, जिससे कि सारे के सारे लोग सुबह से लेकर रात तक पूजा अर्चना करें और पूरा इस भव्य जो मंदिर बन रहा है इसका पूरा आनंद लें, मजा लें। इसी के साथ जय श्री राम। मैं दिल्ली से आया हूं जी, स्पेशली इसीलिए आया हूं कि जो ये यहां मंदिर बना है, मैंने शुरू से ही बोला था जिस दिन मंदिर बनेगा उसके बाद मैं अयोध्या जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मेरा नाम राजीव जैन है जी। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सब लोगों ने मिलके इतना अच्छा काम किया है कि मतलब इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और आखिरकार हमारे राम जी पुनः अपने स्थान पे वापस आ गए। तो जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी हमारे दादाजी वहाँ पे थे, जैसा मुझे मेरे घर वालों ने बताया, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज वापस यहाँ पे, मतलब हाँ मैं उनके साथ भले नहीं हूँ लेकिन हाँ जब राम जी वापस अपने स्थान आ रहे तो मैं उसमें शामिल हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। स्वागत और अतिथियों को आने के लिए क्या? हाँ जी, तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ है, मुझे फूल पहनाया गया है, मुझे इतने अच्छे तरीके से मुझे राम मंदिर का फ्रेम दिया गया है, आप सब लोगों ने इतना अच्छे से हमारा वेलकम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठा स्वर्णकार।